3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। मास्क नो पूजा अर्चना की थीम पर नवरात्र के दौरान कराए जा रहे हैं माता के दर्शन। बजरंग चौराहा स्थित जय अम्बे माता मंदिर पर नवरात्र महोत्सव का हुआ शुभारंभ। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाई BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की आराधना के साथ 9 दिनों के नवरात्र महोत्सव का शुभारंभ हो गया। कोविड-19 महामारी के बीच आए पहले नवरात्र महोत्सव के पहले दिन बजरंगर चौराहा स्थित जय अम्बे माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मां अम्बे के दर्शन कर अपनी आस्था व्यक्त की। मंदिर के संरक्षक राजेश टंडन ने बताया कि देवस्थान विभाग द्वारा दी गई गाइडलाइन की पूरी पालना करते हुए मंदिर के बाहर से ही श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्क लगाए गए हैं। मंदिर में फूल माला प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी है और ना ही परिक्रमा कराई जा रही है। सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा की गई है। इस बार नवरात्र महोत्सव के दौरान ना तो जागरण होगा और ना ही भंडारा व कन्या पूजन होगा। 9 दिनों तक माता भक्त नियमित माता के दर्शन कर सकते हैं। रोजाना प्रातः 9 बजे और शाम 7 बजे माता की आरती का आयोजन किया जाएगा। माता की ज्योत भी भक्तों की सुविधार्थ बाहर रख दी गई है। लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी पूजा अर्चना और आस्था व्यक्त कर सकते हैं। वहीं मंदिर पर दर्शनार्थ आई श्रद्धालु ने बताया कि माता के पहली बार ऐसे दर्शन हो रहे हैं, अन्यथा हर बार बड़ा आयोजन होता है और माता की पूजा अर्चना भी अपने ढंग से की जाती रही है। कोरोना वायरस ने इस बार सभी पर्व और त्योहारों का उत्सव फीका कर दिया है। माता रानी से अरदास है कि जल्द से जल्द कोरोना को खत्म कर भक्तों को स्वस्थ करे। आज नवरात्र स्थापना की शुरुआत की गई, पालन किया गया। देखिए, आज पहला नवरात्र है और पहले नवरात्रा में माता का ये रूप शैलपुत्री का रूप है। शैलपुत्री पहाड़ों से आई माता है। ये 9 दिन का आयोजन है, 9 दिन का कार्यक्रम चलेगा। सुबह 9 बजे आरती होगी और शाम को 7 बजे आरती होगी। कोरोना गाइडलाइन के तहत जो राजस्थान सरकार से हमें गाइडलाइन दी गई हैं, उसके तहत हमने जगह जगह ये बोर्ड टांगे हैं, 9 मास्क 9 दर्शन। उसके अलावा जो ज्योत है माता की, वो भी आज बाहर रख दी गई है कि वह आदमी उसको दूर से दर्शन देख कर ले। जो लोग यहाँ आए हैं उनको सैनिटाइज किया गया है, उनके मास्क लगे हुए हैं, इस बात का बहुत चिंतन किया गया है, ध्यान रखा गया है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के हमने ये चौकोर बना दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। दूसरा एक निवेदन मैं सभी साधकों और भक्तों को आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि इस बार देखिए ना तो कोई प्रसाद लाएं और ना कोई प्रसाद मंदिर से दिया, क्योंकि प्रसाद को सैनिटाइज करना प्रसाद का अपमान है, प्रसाद की अवमानना है। और सैनिटाइज किया हुआ प्रसाद देना, उससे कोई भी और केमिकल रिएक्शन हो सकता है, तो वो प्रसाद लेते ही आदमी खाएगा। तो इसलिए ना तो हम प्रसाद दे रहे हैं ना प्रसाद ले रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा हम जो एक कार्य कर रहे हैं कि अब के ना तो कोई भंडारा होगा, ना जागरण होगा, ना अष्टमी पे कोई और कोई, बस ये 9 दिन चलता रहेगा। 9 दिन मंदिर खुला है, 9 दिन मंदिर में आएँ, दर्शन करें, अपना जो भी साधना है, जो भी अरदास है, वो माता रानी से मांगें और उनके उसमें हमारी जो सहभागिता है कि उनको किसी तरह की असुविधा ना हो,
और किसी भी प्रकार का किसी को कोई संक्रमण काल में जो जो हम नियमित रूप से कर सकते हैं वो करें। और इसके साथ ही मंदिर में प्रवेश बंद है, प्रवेश में ना जो पहले आते थे और माता की परिक्रमा करते थे वो इस बार नहीं संभव हो सकेगा। ये कोरोना प्रोटोकॉल के जो देवस्थान विभाग से हमें आए हैं उनकी पालना में सरकार को हमने इस बात के लिए वचनबद्ध है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करेंगे। और समय समय पर अगर जैसे कोई किसी के पास मास्क नहीं हुआ तो हम मंदिर की ओर से मास्क भी देंगे। जय माता की। आज अश्विन माह का ये प्रथम नवरात्र है। सवेरे माँ के यहाँ नवरात्रों की घट की स्थापना की गई और उसके पश्चात 9 बजे आरती हुई थी। और आरती के अंदर हमने विशेष तौर पर ये रखा कि आरती के अंदर बाहर लोगों को लाइन जिस प्रकार बनाई गई और उसके डिस्टेंस के हिसाब से लोगों को अपने खड़ा किया गया। और इसके पश्चात जो भी लोग आ रहे हैं वो माता के केवल दर्शन ही लाभ कर रहे हैं। अंदर न तो हम प्रसाद ले रहे हैं किसी से, न फूल माला चुन्नी कोई कुछ नहीं ले नहीं रहे हैं, न किसी को दे रहे हैं हम। और ये जिस प्रकार के सरकार की गाइडलाइन है उसी के अनुसार हम सारे कार्य सुबह से कर रहे हैं और बार बार हमने अनाउंस कर रखा है। और जो जहाँ तक कि दर्शन के लिए भी जो लोग आ रहे हैं उनको हम पहले से ही उनको कह देते हैं केवल मास्क लगा के ही आएँ, बिना मास्क वाले कृपया न आए तो ही ठीक रहेगा। जय माता की। जय माता दी। माता जी के मंदिर के अंदर में हम हमेशा नवरात्र में दर्शन करने के लिए आते हैं और माता के मंदिर में यहाँ सेवा देने के लिए भी आते हैं। इस बार माता जी के मंदिर में कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ चेंज किया गया है क्योंकि मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। बाहर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरे गोले बना करके और पूरी व्यवस्था करी गई है और बिना मास्क के किसी को दर्शन नहीं करने दिए जा रहे हैं। और माता जी की कृपा से भगवान करे कि सारा ये कोरोना की सारी परेशानी खत्म हो जाए। कोरोना जागरूकता के तहत 2020 क्रिकेट मैचों का आयोजन नगर निगम की ओर से मयूर स्कूल खेल मैदान पर आयोजित किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। नगर निगम द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए मयूर स्कूल के खेल मैदान पर शनिवार को क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें मीडिया की ओर से अजमेरू प्रेस क्लब, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निगम सहित IOC की टीमों के बीच 2020 क्रिकेट मैच खेला गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अजमेरू प्रेस क्लब के बीच पहला मैच खेला गया जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अजमेरू प्रेस क्लब की टीम ने 107 रन बनाए। जवाब में उतरी IOC की टीम 70 रन पर आउट हो गई। इस तरह से अजमेरू प्रेस क्लब ने मैच जीत लिया। वहीं पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के बीच भी मैच खेला गया। इस मौके पर अजमेरू प्रेस क्लब के आनंद शर्मा, नवाब हिदायतुल्ला, फराज सागर ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के प्रति लोग जागरूक रहें और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, इसलिए फिट इंडिया मूवमेंट के तहत व्यायाम और खेलना कूदना जरूरी है। लोग हमेशा मास्क का प्रयोग करें, उचित दूरी बनाए रखें, यही कोरोना का बचाव है और यही उपचार। जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत पत्रकारों के साथ साथ समाज सेवी संस्थाओं के साथ साथ कोरोना योद्धाओं को भी जोड़ा। और आज अजमेरू प्रेस क्लब का मैच था IOCL से, इंडियन ऑयल से, जो हमने अभी जीत लिया है। और हम बधाई देना चाहते हैं जिला प्रशासन को जिन्होंने एक मैच रखा जिसके अंदर कोरोना योद्धाओं ने अपनी भूमिका निभाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टॉस जीत के किस तरह से पहले बल्लेबाजी करी थी, क्या स्कोर? पहले टॉस अजमेरू प्रेस क्लब ने जीता था और उसको लेकर बल्लेबाजी की थी और बिना कोई विकेट खोए अजमेरू प्रेस क्लब ने 110 रन बनाए थे ओपनिंग के अंदर। और अभी वर्तमान में जो हम अभी जीते हैं मैच उसके अंदर IOCL ने 70 रन बनाए हैं टोटल एक विकेट खोकर और हमने मैच जीत लिया है 40 रन से। ये किस तरह के टूर्नामेंट हो रहे हैं, क्या है आयोजन? नगर निगम द्वारा कोरोना जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत क्रिकेट मैचों का आयोजन कराया जा रहा है जिसके अंतर्गत 6 टीमों ने भाग लिया है। इसमें IOCL कंपनी की एक टीम है, मीडिया की टीम है, जिला कलेक्ट्रेट की टीम है, एक पुलिस विभाग की टीम है, स्मार्ट सिटी और नगर निगम की टीम है। अभी ये दूसरा मैच चल रहा है जो कि मीडिया और IOCL की टीम के बीच में चल रहा है। इस टूर्नामेंट का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम हमारे स्वास्थ्य के प्रति हम सजग रहें
हम फिट रहें, वो यदि हम स्वस्थ रहेंगे फिट रहेंगे तो कोरोना जैसी बीमारी से अब लड़ने में हमें काफ़ी सहायता मिलेगी। और यही हमारा मतलब सभी नागरिकों से अपील है कि वे योगा अभ्यास करते हुए और अपने एक्सरसाइज वगैरह का पूरा ध्यान रखें और अपने आप को हम स्वस्थ रखें किसी भी करके। तो किसने बल्लेबाजी करी थी? अब सुबह की टीम के अंदर मतलब पुलिस विभाग की टीम ने जो मैच को मतलब अच्छी बल्लेबाजी और बैटिंग करते हुए उसमें वो लोग जीते थे। अब ये जो मैच चल रहा है इसमें मीडिया की टीम थोड़ी मतलब भारी लग रही है, अच्छा इन्होंने मतलब बल्लेबाजी की करी है। और इसके बाद में अगला मैच 3:30 बजे भी रहेगा और एक मैच अभी 1 बजे और रहेगा। आज IOSL कंपनी से अजय मेरू प्रेस क्लब का मैच था और अजय मेरू प्रेस क्लब ने 107 रन बनाए जिसमें सबसे ज़्यादा रन हमारे शराफत अली ने बनाए और बहुत ही अच्छा मैच खेला गया। ये मैच एक मैसेज दिया जा रहा है अजमेर शहर को कोरोना का कि आप स्वस्थ रहें और मास्क का विशेष तौर से ध्यान रहें। इसलिए मैंने भी अपना मास्क साथ लेकर आया हूँ क्योंकि खेल में मास्क नहीं लगा सकते थे, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मास्क ज़रूरी है। अग्रसेन जयंती पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। अग्रसेन जयंती पर जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई से कराया गया भोजन, मास्क का किया वितरण। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अग्रकुल प्रवर्तक श्री अग्रसेन जी महाराज की 5144वीं जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज अजमेर द्वारा शनिवार को मंगल भवन केसरगंज में श्री अग्रसेन भगवान की पूजा व आरती का आयोजन रखा गया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल व महासचिव प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना को मद्देनजर रखते हुए सरकार और जिला प्रशासन की गाइडलाइन और निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए गए। समाज के गणमान्य लोगों और भामाशाहों को साफा पहनाकर माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए और उनका सम्मान किया गया। तत्पश्चात आरती के बाद सभी को फलाहार, प्रसाद और मास्क वितरित किए गए। अग्रवाल ने बताया कि इसी प्रकार अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला शाखा अजमेर की ओर से अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में संस्था के जिला अध्यक्ष गिरधारी लाल मंगल के सौजन्य से इंदिरा रसोई के माध्यम से JLN अस्पताल, गांधी भवन और पड़ाव स्थित आश्रय स्थलों पर गरीब आमजन को निःशुल्क भोजन कराया गया। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए आम नागरिकों को निःशुल्क मास्क भी वितरित किए गए। अग्रवाल ने सभी अग्रवाल बंधुओं और मातृशक्ति से आग्रह किया है कि श्री अग्रसेन जयंती के अवसर पर शनिवार को अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर रोशनी करें और कम से कम 5-5 दीपक जरूर प्रज्वलित करें। आज अग्रवाल समाज के कुल प्रवर्तक, अग्रवाल समाज के संस्थापक पूज्यपाद महाराजा श्री अग्रसेन जी की 5144वीं जयंती है। हर साल अग्रसेन जयंती के अवसर पर पूरे शहर में धूमधाम से जुलूस निकाला जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है और 9 दिन तक बहुत ही आकर्षक प्रोग्राम होते हैं। परंतु वैश्विक महामारी कोरोना के कारण और सरकार के जिला प्रशासन की गाइडलाइन के कारण इस बार बहुत ही संक्षिप्त में प्रोग्राम समाज की विभिन्न संस्थाओं द्वारा रखा गया और उसी कड़ी में आज अग्रवाल समाज अजमेर द्वारा भी यहाँ मंगल भवन में भगवान अग्रसेन जी की पूजा और आरती का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारे अतिथि के रूप में शहर के गणमान्य महानुभावों को आमंत्रित किया गया। उनके सानिध्य में भगवान अग्रसेन जी की आरती की गई और सभी का यहाँ साफा पहनाकर माल्यार्पण करके भगवान अग्रसेन जी का स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मान अभिनंदन किया गया और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। रेलवे के अंडरपास सुविधाओं की जगह परेशानी का बन रहे हैं सबब। मदार रेलवे स्टेशन के पास बनाए गए अंडरपास में भरा रहता है 4-4 फीट पानी।
आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन हाईटेक कंप्यूटर लैब मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक स्किल बेस्ड लर्निंग एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स एडमिशन्स ओपन BCA BBA फैशन डिजाइन इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल महाराणा प्रताप नगर कोटरा अजमेर। रेलवे द्वारा कई बस्तियों में रेलवे फाटक के स्थान पर अंडरपास बनाए गए हैं, जो बनाए तो लोगों की सुविधा के लिए थे, लेकिन अब परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। जिस तरह से दौराई में बनाया गया रेलवे अंडरपास लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, उसी तरह से मदार रेलवे स्टेशन के पास बनाए गए अंडरपास से भी लोग खासे परेशान हैं। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि अंडरपास में हमेशा 4-4 फुट पानी भरा रहता है। यहां से निकलने का एकमात्र यही रास्ता है, जिससे राजा आश्रम हरिओम नगर सहित अन्य कॉलोनियों का मार्ग जुड़ा हुआ है। ऐसे में लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है, ना तो लोग पैदल आ सकते हैं और ना ही वाहनों से। रेलवे के अधिकारियों को कई बार लिखित में शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। संबंधित ठेकेदार को यहाँ जनरेटर लगाने के लिए कहा गया था, जो उसने लगा भी दिया, लेकिन कर्मचारी को भुगतान नहीं होने और डीजल का पैसा नहीं देने से जनरेटर से पानी नहीं निकाला जा रहा, जिससे हर वक्त अंडरपास में पानी जमा रहता है। लोगों ने रेल और जिला प्रशासन से इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने की मांग की है। अब फाटक तो बंद हो गया है, अंडरपास का इसमें निर्माण हुआ था, अंडरपास बन चुका है, लेकिन इसमें क्या है, जब से बारिश आ रही थी तब से अभी तक पानी इसका निकलता है, रोज निकालना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर से छील निकल गई। रोज पानी भरता है, निकालते हैं, 2 दिन सुबह शाम निकालना पड़ता है, घुटनों तक पानी भर जाता है। लेकिन अभी कुछ करीब 4-5 दिन से इसका पानी नहीं निकला है, जिसका कारण यह है कि जो ठेकेदार है वो यहाँ पे जनरेटर तो रख के चला गया है, लेकिन उसको चलाने वाला जो मजदूर है उसको ना तो पेमेंट उपलब्ध हो रही है, ना उसको डीजल के पैसे मौजूद हो रहे हैं, तो वो आदमी अब पानी नहीं निकाल रहा है। तो इसके कंडीशन ये है कि ये पानी घुटनों तक भर गया है। अभी कुछ दिन पहले हमारे समाज में ही डेथ हो गई थी, तो हमारे को डेड बॉडी हाथ मतलब घुटनों के पानी से इसमें निकलना पड़ा, और जो हमारे और भी समाज है जो इस पानी में से गुजर नहीं सकते, जैसे मुस्लिम समाज को बोलते हैं कि डेड बॉडी जब लेके जाते हैं तो वो घर से नहा धो के निकलते हैं, लेकिन इस पानी में उतरने के बाद में वो जाते हैं तो वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, हमारे पास में एकमात्र यही रास्ता है और प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। रेल भैया कितनी कॉलोनियाँ इस रास्ते से जुड़ती है आगे? इसमें राजा आश्रम हरिओम नगर, राजा आश्रम के गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 गलियाँ है, नेहरू नगर है, निम्बोली गाँव का एरिया है, पूरा कृष्ण विहार कॉलोनी है, ये सारी की सारी कॉलोनियाँ जो है इसी रास्ते से निकलती है, एकमात्र यही रास्ता है। ऊपर से पैदल चलने का रास्ता था उसको इन्होंने बंद कर दिया है, और ये ट्रेनें हैं जो 5 स्पीड से निकलती है, इसमें हानि भी हो सकती है कभी अंडरपास। ये रेलवे स्टेशन मदार पे लेवल क्रॉसिंग 42 है, और यहाँ पे जब से ये कंस्ट्रक्शन हुआ है इसके किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, और मर्जी से ठेकेदार अपनी मर्जी से जो भी करना था करके चले गए, लेकिन कोई भी रेलवे अधिकारी अपने इसको सुपरविजन ढंग से नहीं कर पाए। उसका कारण ये है कि अब इसमें हमेशा पानी भरा रहता है। अभी कितना समय हो गया इस पानी को भरे हुए? इसको पने भरे हुए जब से खाली ही नहीं हुआ है ये, तो कितना लगभग जैसे हाँ बारिश आई है जब से भरा ही रहा है, 5-6 करीब 4 में सूखा नहीं है एक बार भी। हम लोगों ने मिलके किसी से शिकायत वगैरह शिकायत करी है, रेलवे अधिकारियों को शिकायत करी है, लिखित में भी करी है, पर्सनली भी मिले हैं। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ मां चामुंडा माता मंदिर में हुई, मां दुर्गा की स्थापना। फैसागर रोड चामुंडा माता मंदिर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन हाईटेक कंप्यूटर लैब मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक स्किल बेस्ड लर्निंग एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स एडमिशन्स ओपन BCA BBA फैशन डिजाइन इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल महाराणा प्रताप नगर कोटरा अजमेर। शारदीय नवरात्र के पहले दिन शनिवार को माँ शैलपुत्री की आराधना की गई, इससे पूर्व मंदिरों में माँ दुर्गा की स्थापना के आयोजन हुए। फैसागर रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर पर प्रातः 6:30 से 7 के बीच माता की स्थापना की गई। तत्पश्चात सुबह 9, दोपहर 12 आरती हुई। कालू पुजारी और मदन सिंह ने बताया कि शाम को सूर्य अस्त के साथ आरती करके आयोजन का समापन होगा। इसी तरह से 9 दिनों तक रोजाना आरती अरदास के कार्यक्रम जारी रहेंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना मंदिर द्वारा की जा रही है। श्रद्धालुओं को भी गाइडलाइन की पालना करते हुए अपनी आस्था व्यक्त करते हुए माता रानी के दर्शन करने होंगे। मास्क लगाए बगैर किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। मंदिर में पूजा प्रसाद की मनाही है। लोग दर्शन करके अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। माता जी की स्थापना 7:15 करीब करी गई है और सुबह 7:15 आरती हुई, 9 हुई, फिर 12 हुई है, शाम को सूर्यास्त पे है। सब कोरोना के पालना मंदिर को सैनिटाइज कराया गया है और सैनिटाइज वो बाहर आके सब पूरे कोई देने और इसके 2 फुट के दायरे से 3 फुट के दायरे से पुलिस को लगाया जा रहा है। आज सुबह 7:30 मतलब 6:30 माता जी की स्थापना हुई है। 6:10 पर शुरू की हुई जो 7:00 तक हुई है, फिर उसके बाद 9 आरती हुई है माता जी की, फिर अभी 12 और अब सूर्यास्त के बाद। हाँ, हमें पूरी पालना से मतलब मंदिर को सैनिटाइजर किया है। यात्री की ज़्यादा भीड़ पब्लिक नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा मतलब सोशल डिस्टेंसिंग लगे हुए, मास्क वगैरह सब पहन रहे। अग्रसेन जयंती पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। अग्रसेन जयंती पर जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई से कराया गया भोजन, मास्क का किया वितरण। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अग्रकुल प्रवर्तक श्री अग्रसेन जी महाराज की 5144वीं जयंती के अवसर पर अग्रवाल ने बताया कि इसी प्रकार अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला शाखा अजमेर की ओर से अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में संस्था के जिला अध्यक्ष गिरधारी लाल मंगल के सौजन्य से इंदिरा रसोई के माध्यम से JLN अस्पताल, गांधी भवन और पड़ाव स्थित आश्रय स्थलों पर गरीब आमजन को निःशुल्क भोजन कराया गया। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए आम नागरिकों को निःशुल्क मास्क भी वितरित किए गए। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला शाखा अजमेर की तरफ से पूरे अजमेर के अंदर जरूरतमंदों को आज भोजन की व्यवस्था कराई गई है और पूरे जो इंदिरा योजना के तहत जो भोजन की व्यवस्था है पूरे 10 स्थान पर भोजन अपन ने समाज की तरफ से कराया है। साथ में ही मास्क अपन ने 5,000 मास्क का भी आज वितरण किया है। अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में सभी लोगों ने बहुत सहयोग दिया और बहुत आयोजन। चार फीट लंबाई का दुर्लभ ग्लॉसी ब्लैलीड रेसर सांप को किया रेस्क्यू। जनता कॉलोनी वैशाली नगर में रुक्मणी देवी गर्ग के घर में एक सांप घुस आया।
आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन हाईटेक कंप्यूटर लैब मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक स्किल बेस्ड लर्निंग एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स एडमिशन ओपन BCA BBA फैशन डिजाइन इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल महाराणा प्रताप नगर कोटरा अजमेर जिससे परिवार में दहशत व्याप्त हो गई। सूचना पर सांप को पकड़ने के लिए मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री के सर्प रक्षक विजय यादव अपने साथी प्रीतम सहित पहुंचे और घर में घुसे एक 4 फीट के ग्लॉसी बेलेड रेसर सांप को रेस्क्यू किया। यादव ने बताया कि ग्लॉसी बेलेड रेसर सांप बिना जहरीला सांप होता है। वयस्क सांप की लंबाई 4 फीट तक होती है और यह सांप इस लंबाई का बहुत ही कम देखने को मिलता है। उन्होंने भी इस लंबाई का यह पहला सांप पकड़ा है। इस सांप की अधिकतम उम्र 5 वर्ष होती है। इसी तरह सर्प रक्षक विजय यादव ने देर रात नाका मदार निवासी गौरव जैन के घर में घुसे 4 फुट के कोबरा सांप को भी रेस्क्यू किया। यादव ने दोनों सांपों को वन विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर जंगल में छोड़ दिया। ये वैशाली नगर जनता कॉलोनी से एक सूचना मिली थी कि रुक्मणी देवी गर्ग इनके घर में एक सांप आ गया जिससे सभी घर वाले भयभीत हो गए थे। मुझे बुलाया गया तो मैंने जाकर के देखा कि एक सांप जो कि 4 फुट का ग्लॉसी बेलेड रेसर सांप है उनके एक पाइप में घुस गया था जिसे मैंने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया। यह अपनी प्रजाति का एक दुर्लभ सांप है जो कि पूरी 4 फुट की लंबाई का है जो कि पहली बार मैंने भी इसे रेस्क्यू किया। इतनी ज़्यादा लंबाई का सांप यहाँ अजमेर में मुझे पहली बार ही देखने को मिला है। इसके अलावा मैंने एक और सांप को रेस्क्यू किया जो कि कोबरा सांप था और वो 4 फुट का करीब का जो गौरव जैन के घर में आ गया था उसे भी सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया। दोनों ही सांपों को वन विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया। ये ग्लॉसी बेलेड रेसर सांप जो कि बिना जहरीला सांप होता है इसे इसके लिए मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ कि भाई इस सांप को मारे नहीं, ये दुर्लभ प्रजाति है, बहुत ही कम देखने को मिलती है, इसलिए इसे संरक्षित करना और सभी सांपों को संरक्षित करना हमारा उद्देश्य है। अतः सांपों को मारे नहीं और उन्हें संरक्षित करने में हमारा सहयोग करें। जन अभियान के तहत मास्क वितरण का किया शुभारंभ, 5,000 मास्क बांटने का रखा गया है लक्ष्य। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन हाईटेक कंप्यूटर लैब मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक स्किल बेस्ड लर्निंग एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स एडमिशन ओपन BCA BBA फैशन डिजाइन इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल महाराणा प्रताप नगर कोटरा अजमेर। अजमेर जिला वैश्य महासम्मेलन द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के लिए आम जन को जागरूक करते हुए मास्क वितरित किए गए। जिला महामंत्री उमेश गर्ग ने बताया कि वैश्य महासम्मेलन द्वारा 5,000 मास्क वितरित करने का लक्ष्य है जिसका शुभारंभ शनिवार को नया बाजार गोल प्याऊ से किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रमेश तापड़िया, कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, महिला जिला महासचिव आभा गांधी, राजकुमार ललवानी, प्रेम सुख, राजेंद्र गांधी सहित अन्य लोगों ने आमजन को मास्क की उपयोगिता बताते हुए मास्क बांटे। अजमेर वैश्य महासभा की ओर से अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में नया बाजार में आज मास्क वितरण किए गए। कोरोना महामारी को देखते हुए 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी के नारे को संचालित करते हुए अजमेर के अंदर नया बाजार स्थित मास्क वितरण का आयोजन किया गया। नाम आपका? प्रवीण जैन।
चोरी का खुलासा करने पर दरगाह थाना पुलिस कर्मियों का किया गया सम्मान। सीआई रमेंद्र सिंह हाड़ा सहित पुलिस कर्मियों को साफा बांधकर माला पहनाकर जताया आभार। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। दरगाह थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह हाड़ा के नेतृत्व में दरगाह थाना पुलिस द्वारा 8 तोला सोना चोरी करने के आरोपी को पकड़ने में कामयाब होने पर आज समस्त दरगाह थाने के पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का स्वागत सम्मान किया गया। 13 सितंबर को अंदरकोट दरगाह इलाके से 4,00,000 रुपए के आभूषण चोरी हुए थे। इस मामले की रिपोर्ट दरगाह थाने पर दर्ज कराई गई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह हाड़ा ने मोबाइल ट्रेसिंग पर लगवाकर आरोपी अंदरकोट निवासी सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से चुराए गए स्वर्ण आभूषण भी बरामद कर लिए। इस मामले में परिवार ने पहले ही थाना अधिकारी का आभार जताया था। आज परिवार के सदस्यों के साथ समाजसेवी खालिद खान, शकील अब्बासी, बबलू, घनश्याम राम रखियानी आदि ने दरगाह थाने के तमाम पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को साफा बांधा और माला पहनाकर मिठाई खिलाई और इस बेहतरीन कार्य के लिए बधाई दी। जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। गेगल थाना अंतर्गत ग्राम ऊटड़ा से आए मुस्लिम समाज के लोगों ने सब इंस्पेक्टर फतेह सिंह के निलंबन की मांग उठाई। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शनिवार को ग्राम पंचायत ऊटना की एक विवाहिता अफसाना की दौरान इलाज अस्पताल में मृत्यु होने के बाद पुलिस कांस्टेबल फतेह सिंह द्वारा परिवार की मर्जी के खिलाफ पोस्टमार्टम करा दिए जाने से हंगामा खड़ा हो गया। मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हो गई और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फतेह सिंह ASI के निलंबन की मांग करने लगे। मामले को बढ़ता देख मौके पर गेगल थाना पुलिस के अलावा सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान मय जाप्ता पहुंचे, ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन वे लोग ASI को निलंबित करने की मांग पूरी होने तक शव को उठाने से इनकार करते रहे। अफसाना के मामा यूसुफ भगवान ने बताया कि ससुराल और PR पक्ष जब कोई कार्रवाई नहीं चाहता तो उनकी मर्जी के खिलाफ पोस्टमार्टम क्यों कराया गया। साथ ही परिवार के लोगों के साथ फतेह सिंह ने बदसलूकी भी की, इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। मामला है और किसको? हमारे ग्राम पंचायत उटड़ा का मामला है। मैं लड़की का मामा हूँ, यूसुफ भगवान मेरा नाम है। मैं वहाँ से जनप्रतिनिधि भी हूँ, पंचायत समिति सदस्य भी।
हमारे 20 दिन से पहले हमारी भांजी के घर में कोई गैस के लीक या गैस चालू रहने के कारण से रसोई में आग लग गई थी, जिसमें ये बच्ची के कपड़े वगैरह जले थे और बच्ची भी काफ़ी जुलूस गई थी। हमने एडमिट करा दिया, बच्ची की काफ़ी तबीयत में इम्प्रूवमेंट था, सुधार था, बहुत अच्छा था। लेकिन ठीक है, इत्तेफाक से मालिक की मर्जी थी, बच्ची के दिनों अनपान इतने लिखे थे, आज बच्ची ख़त्म हो गई। सुबह 8 बजे बच्चे ख़त्म होने के बाद में मैंने गेगल थाने में इंफॉर्मेशन दी कि भाई हमारे ऐसा ऐसा मामला हुआ था और वो बच्ची ख़त्म हो गई है। तो इन्होंने कहा कि अगर 7 साल शादी को हुए कम है तो हम उसमें कार्रवाई नहीं कर सकते। तो हम मेरे जरिए से और मेरे जीजाजी के जरिए से हमने निकाहनामा और शादी का कार्ड दोनों गेगल थाना व्हाट्सअप कर दिया था और थानेदार जी ने देख के ये भी वेरीफाई कर दिया था कि भाई बच्ची की शादी को 8.5 साल हो चुके हैं और हम कार्रवाई कर सकते हैं और हम वहाँ आ जाएंगे। तो 4 से 5 घंटे इन्होंने वहाँ से आने में लगा दिए। 8 बजे से 12:30 बजे के करीब ये वहाँ से आए, वो भी हमारे ग्राम पंचायत उठला के सरपंच साहब वगैरह सारे जाके वहाँ बैठ गए। 1.5-2 घंटा बैठने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और वहाँ से नहीं आए। किसने पोस्टमार्टम कराया? पुलिस पोस्टमार्टम कोई फतेह सिंह नाम कर कांस्टेबल है, इसने ज़बरदस्ती मैं खुद अंदर था, मेरे को बोला बच्ची की पैकिंग हो रही है, बच्ची नंगी अवस्था में थी तो मैं कैसे वहाँ रुक सकता था। तो मेरे को कहा आप थोड़ा बाहर निकलिए, बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा है, तो सॉरी बच्ची की पैकिंग हो रही है। मुझे पैकिंग के बहाने से बाहर निकाल के बच्ची का पीछे से पोस्टमार्टम कर दिया, जबकि हमारे बच्ची के ससुराल पक्ष से और हमारे पियर पक्ष से ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई हम बच्ची का पोस्टमार्टम कराएं या किसी प्रकार की कार्रवाई चाहे। हमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहिए थी किसी भी पक्ष के ऊपर, हमें फतेह सिंह के ऊपर कार्रवाई चाहिए, जिसने ज़बरदस्ती बच्ची को 3-3 मरतबा उसने उगाड़ के देखा है। लेडीज कांस्टेबल की किसी प्रकार की इनके पास यहाँ सुविधा नहीं थी। आखिर कांग्रेसी नेता हाजी इंसाफ अली ने पुलिस प्रशासन से बातचीत की और DYSP रामनिवास विश्नोई द्वारा जांच होने तक फतेह सिंह को लाइन अटैच करने का आश्वासन दिया गया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। सर क्या मामला था? ये एक लेडीज थी जो मोमडनों की थी, करीब 15 दिनों से भर्ती थी, जल के भर्ती हुई थी। तो इसके अभी अपने प्रोबेशनर है पूनम जी, उन्होंने यहाँ आए थे और 174 की कार्रवाई के लिए, तो इनके अंदर कुछ असमझी की स्थिति रह गई थी। वो लोग ये है डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाह रहे थे, लिखित में ये देना चाह रहे थे, तो इनकी वो तो कोई दिक्कत नहीं है मांग पर। तो ये उन्होंने कहा कि हमारे फतेह सिंह जी हैं, इन्होंने मिस यूज करके भाई को बाहर निकाला है, सारी चीज़ें हैं इस तरीके से, तो इससे ये रुष्ट हो गए, संतुष्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ सर, जो हेड कॉन्स्टेबल साहब उनको फतेह सिंह, हाँ उसको एक बार है वो जाँच होने तक लाइन में भेजेंगे, जाँच होने तक फतेह सिंह को लाइन में। DYSP रामनिवास विश्नोई द्वारा ASI फतेह सिंह पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद परिवार के लोग विवाहिता की बॉडी लेकर रवाना हो गए। इंटर्न्स डॉक्टर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में अजमेर के इंटर्न्स ने किया प्रदर्शन। स्टाइफंड बढ़ाने की मांग को लेकर SMS में 48 घंटे से भूख हड़ताल पर है डॉक्टर्स। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। ऑल राजस्थान इंटर्न्स डॉक्टर एसोसिएशन के नेतृत्व में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में चल रही भूख हड़ताल का समर्थन करते हुए आज JLN मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट यूनियन ने भी हड़ताल में समर्थन देने की चेतावनी के साथ आज शाम तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया है, अन्यथा आज शाम से अजमेर के इंटर्न्स डॉक्टर्स भी भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। इंटर्न्स डॉक्टर अभिषेक और लोकेश लांबा ने बताया कि स्टाइफंड 7,000 से 30,000 बढ़ाने की मांग है, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से सरकार से कई दौर की वार्ता चली लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसके बाद इंटर्न्स डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठ गए। 48 घंटे में भी सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली है, जबकि उनकी हालत भी खराब होती जा रही है। वहीं एक तरफ तो सरकार वार्ता के लिए बुलाती है तो दूसरी ओर धरने पर बैठे इंटर्न्स को हटाने के लिए गार्ड और पुलिस को बुलाया जाता है। इसलिए सरकार हठधर्मिता छोड़कर जल्द से जल्द मांगों का हल निकाले। आज अजमेर में JLN हॉस्पिटल के कैजुअल्टी के बाहर इंटर्न्स डॉक्टर्स ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। ये आज आप किस तरीके से
हम इंटर्न डॉक्टर्स ऑल राजस्थान इंटर्न डॉक्टर एसोसिएशन की ओर नेतृत्व में SMS मेडिकल कॉलेज में हमारे इंटर्न डॉक्टर्स 48 घंटे से ज़्यादा भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनकी स्थिति नाजुक है और समय के साथ गंभीर होती जा रही है। सरकार से हमारी कल वार्तालाप हुई थी, जो लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया, तो वो वार्तालाप विफल रही। तो आज सुबह फिर बुलाया था, अगर सरकार हमारी मांगों की तरफ नहीं ध्यान देती है और मांगे नहीं मानती है तो हम शाम को अजमेर के इंटर्न डॉक्टर्स भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और जयपुर में उन जो धरना कर रहे हैं उनको जबरन धरना बंद करवाया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा बुला के उनको धमकियां दी जा रही हैं कि धरना ख़त्म करो। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये हमारी मांग जो स्टाइपेंड बढ़वाने की है 7,000 से लेके 30,000 तक करना चाहिए। और जो कोविड में हमारी प्रति उपस्थिति जो मान्योदय बाकी डॉक्टर्स नर्सिंग कर्मियों को मिलता है, वो इंटर्न डॉक्टर्स को भी मिलना चाहिए। हम पिछले 7 महीने से मार्च के माह से सरकार को लगातार अवगत करा रहे हैं कि हमारे स्टाइपेंड बहुत कम है, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर कोई आश्वासन नहीं दे रही और ना ही उस पर कार्रवाई कर रही है। हम इससे पहले हर प्लेटफॉर्म पे फेसबुक स्टेटस लगा के, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे ट्वीट करके हर तरीके से हमने सरकार को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है। यहाँ पे हमारे इंटर्न डॉक्टर्स लगातार नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, डे जा रहे हैं, 24 आवर्स की ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो स्टाइपेंड आ रहा है प्रतिदिन मानदेय मात्र 233 रुपये बनता है, जिससे एक वो 150 से 200 रुपये का अपना मास्क भी नहीं खरीद सकते। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे बाकी के पड़ोसी राज्यों में जैसे कर्नाटक हो गया, असम, जहाँ पे 30,000 तक मानदेय मिल वो प्रतिमाह उनका वेतन है, तो इस पर एक सरकार को अपनी सोच रखनी चाहिए। और हमारी जो इंटर्न डॉक्टर्स आज SMS में भी लगातार 48 घंटे से ज़्यादा हो गया वो भूख हड़ताल में बैठे हुए, उनकी स्थिति लगातार नाजुक होती जा रही है, तो उसके सरकार पे हमें वार्तालाप करने के लिए बुलाना चाहिए और हमारी मांगों को उचित मानते हुए हमारी मांग पूरी करनी चाहिए। और सरकार जैसे कि बाकी राज्यों में लगातार वहाँ भी ये चल रहा है, वहाँ भी लोग अपने जब थोड़े महीनों पहले ही अपने पड़ोसी राज्य में यहाँ पे भी इस स्टाइपेंड में वृद्धि की गई है, तो सरकार को हमारे और भी ध्यान देना चाहिए। अभियान के तहत नो मास्क नो एंट्री की पालना कराने की गई अपील। सर्वधर्म मैत्री संघ के साथ जिला प्रशासन ने लोगों से मास्क लगाने की अपील करते हुए बांटे मास्क। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत जिला प्रशासन भी अपनी सहभागिता निभा रहा है। इसी के तहत सर्वधर्म मैत्री संघ के सदस्यों के साथ आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने आना सागर चौपाटी सहित अन्य स्थानों पर जाकर लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने और सदैव मास्क लगाने की अपील करते हुए उन्हें प्रेरित किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि इस वक्त कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, जिसे रोकने के लिए बचाव ही उपचार है, इसलिए लोग बिना मास्क के घर से ना निकले, सदैव मास्क लगाएं और सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन की पालना करें। इस मौके पर सर्वधर्म मैत्री संघ के सभी सदस्य मौजूद रहे। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन का राज्य सरकार ने जो अभियान चलाया है, उस अभियान में जिला प्रशासन अजमेर भी विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों के सहयोग से इस कार्यक्रम को चला रहा है। आज यहाँ सर्वधर्म मैत्री संघ के सदस्य अपने इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ लोगों को मास्क लगाने के लिए आग्रह कर रहे हैं और जो बिना मास्क के मिल रहे हैं उनको मास्क
दिए जा रहे हैं और उनसे ये आग्रह किया जा रहा है कि आप इस मास्क को लगाए रखें। उनको मास्क लगाने का जो सही तरीका है वो भी समझाया जा रहा है कि मास्क लगाते समय जब मास्क लगा रहे तब उनका मुँह और नाक पूरी तरह से ढके रहें, तभी मास्क लगाने का जो फ़ायदा है वो उन्हें मिल सकता है। और साथ ही उनसे ये आग्रह किया जा रहा है कि मास्क को लगाए रखें, जब भी घर से बाहर निकलें तो बिना मास्क के कभी नहीं निकलें। साथ ही जो नो मास्क नो एंट्री का सरकार का स्लोगन है उसको भी सभी लोगों को बताया जा रहा है। तो मैं इस अवसर पर सर्वधर्म मैत्री संघ के सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वे राज्य सरकार और जिला प्रशासन के इस जन आंदोलन में अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं। धन्यवाद। जानलेवा हमला करने के आरोप में दर्ज मुकदमे में फरार अभियुक्त को पकड़ा। रामगंज थाना पुलिस ने चौथे आरोपी को पकड़ा। तीन आरोपी पूर्व में हो चुके हैं गिरफ्तार। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रामगंज थाना पुलिस के ASI बाबूलाल विश्नोई ने बताया कि 21 सितंबर को परिवादी गुजरवास अजयनगर निवासी किशन बुकन ने एक रिपोर्ट रामगंज थाने पर दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि 20 सितंबर की रात 9 बजे के बीच इलाके के किशोर ब्रजमान व अन्य ने उसके साथ जानलेवा हमला कर मारपीट की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने धारा 341, 323, 307 IPC में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। पूर्व में किशोर, ब्रजमोहन और भज्जी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जा चुका है। वहीं फरार चल रहे एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम लक्ष्मण सिंह लखन उर्फ लखी है को कल गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण में अब चारों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जी सर। हाँ, दिनांक 21/9/2020 को परिवादी श्री किशन बुकन श्री फादर्स ने मनोज कुमार जाति ढोली निवासी गुजरवास अजयनगर ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की कि मेरे साथ रात्रि को 20 तारीख रात्रि को करीब 9:30 बजे भज्जी और किशोर व ब्रजमोहन व अन्य व्यक्ति ने मिलकर लाठी डंडे से मारपीट की, जिस पर प्रकरण संख्या 345 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसमें भज्जी व किशोर व ब्रजमोहन को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायालय सरमान में पेश किया जा चुका है। वह शेष आरोपी लक्ष्मण सिंह और लखन उर्फ लखी को कल दिनांक उसके किराए के कमरे से गिरफ्तार किया गया है, जिसे अनुसंधान किया जा रहा है। क्या कारण था मारपीट करने? पूर्व में कोई छोटी बात को लेकर आपसी एक दूसरे की पहचान थी, जिसमें किसी बात को लेकर उनके मन मोटा हो गया था, उस बात को लेकर इन्होंने मिलकर किशन बुकन के साथ मारपीट की। कितने आरोपी हैं, क्या नाम है? इसमें तीन आरोपी है, दो पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं और एक ये शेष था लक्ष्मण सिंह उर्फ लखन उर्फ लखी, जिसको कल दिनांक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके खिलाफ धारा 341, 323, 307 IPC में प्रकरण दर्ज। जानलेवा हमला कर मारपीट की। रामगंज थाना अंतर्गत सोमलपुर रोड दीप दर्शन कॉलोनी में हुई लाखों की चोरी। सुने मकान को निशाना बनाकर चोरों ने 8 लाख रुपए के माल पर किया हाथ साफ।
आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन हाईटेक कंप्यूटर लैब मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक स्किल बेस्ड लर्निंग एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स एडमिशन्स ओपन BCA BBA फैशन डिजाइन इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल महाराणा प्रताप नगर कोटरा अजमेर। रामगंज थाना अंतर्गत सोमलपुर रोड दीप दर्शन कॉलोनी में रहने वाले उमेश ने रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके मकान में चोरी हो गई है। उमेश ने बताया कि 15 अक्टूबर की रात पिताजी के देहांत के बाद 12वें की रस्म में शामिल होने वह अपने घर गए हुए थे। पीछे से मकान सूना था। 16 की रात को जब लौटे तो चोरी की घटना का पता चला। घर के अंदर अलमारी के ताले टूटे मिले और सभी सामान अस्त व्यस्त था। जांच करने पर पता चला कि लगभग 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और 30,000 रुपए की नकदी चोरी हुई है। उमेश ने बताया कि ज्वेलरी में 4 सोने की चूड़ी 4 अंगूठी चेन सहित अन्य आभूषण थे जो चोरी हो गए हैं। रामगंज थाना पुलिस ने घटना स्थल पहुंचकर फॉरेंसिक जांच की और प्रकरण दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। यह 15 तारीख की रात को 9 बजे में घर से मतलब मेरे यहाँ से पिताजी के यहाँ गया था, उनका देहांत हो गया था, उनका 12वां था और दिन 15 तारीख को रात्रि बहन संध्या थी और सुबह 16 तारीख को प्रतिभोज था। तो हुआ यूँ कि रात को 15 तारीख की 9 बजे यहाँ से गया, फिर मैं 16 की रात को 9 बजे यहाँ पर आया। रात को जब मैं आया घर तो मैंने देखा कि बाहर का गेट तो लॉक लगा हुआ बट अंदर का घर ताला टूटा हुआ था। अंदर आके देखा, पहले मैं डरा हुआ था, पुलिस को फ़ोन किया, फिर मैंने अंदर देखा था सामान बिखरा हुआ था और कुछ पलंग भी बिखरा हुआ था। तो पुलिस ने कहा कि भाई सामान पलंग तो आपका सही कर लो और आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैंने कहा अलवारी को मत छेड़ना, तो मैंने अलवारी को हाथ नहीं लगाया। और अलवारी लगभग सर मेरे 8 लाख की ज्वेलरी आज वर्तमान में उसकी प्राइस होगी लगभग, और मेरी 4 सोने की चूड़ियाँ थी, 4 अंगूठियाँ थी, 4 क्रॉस थे और 2 जोड़ी टॉबस थे, 2 जोड़ी पायल थी। मेरे नकदी 30,000 रुपये नकदी थी। गोल्ड में क्या क्या था? सॉरी, सोने में सोने की चूड़ियाँ थी 4, एक हार था सोने का और 4 अंगूठियाँ थी सोने की, 2 लेडीज 2 जेंट्स की। टोटल 8 लाख रुपए लगभग का माल था। कहाँ पर है आपका मकान? मेरा मकान साहब सोमलपुर रोड दीदर्शन कॉलोनी गली नंबर 3 के अंदर है। थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी? थाने में रिपोर्ट सर रात को मैंने 11 बजे फ़ोन किया था, 1 घंटे बाद पुलिस आई, उसके बाद बड़ी मशक्कत करने का कंट्रोल रूम फ़ोन किया, उसके बाद जाकर के पुलिस आई थी, सिग्मा को भेजा उन्होंने, फिर थाने से गाड़ी आई। तो थाने वालों ने बोला कि भाई मैंने साहब जो मुकाबला कर लो आयु करना है आपको, तो उन्होंने बोला कि आपका पलंग तो है वो तो आप जमा के सो जाओ उसको, बाकी का इसका फॉरेंसिक करा लेंगे। रामगंज थाने से। ये दीप दर्शन कॉलोनी सोमलपुर के उमेश केल ने आज थाने में रिपोर्ट दी है कि 15 तारीख को रात को करीब 9 बजे ये अपने घर को लॉक लगाकर भगवानगंज जहां इसके फादर रहते थे उनका देहांत हो गया था, उनके 12वें की कोई रस्म थी रात्रि जागरण की, वहां मकान खाली छोड़ के गया था। कल जब ये 16 तारीख को वापस रात को वहाँ पहुँचा तो इसने देखा कि वहाँ ताले वगैरह टूटे हुए थे, घर में चोरी हो गई थी। इस संबंध में इसने आज रिपोर्ट दी है, इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और टीम का गठन किया जा रहा है, शीघ्र ही चोरों को दस्तयाब कर लिया जाएगा। तो लगभग क्या बताया, माल कितना गया होगा, क्या क्या गया? इसमें करीब इसने 30,000 रुपये नगद और चांदी सोने के कुछ जेवरात चोरी होना बताया। 30,000 रुपये नगद लगभग कितने का माल होगा टोटल? अब वो अभी आकलन किया जाएगा, अभी इसने बताया कि सोने चांदी के कुछ जेवर हैं, जो भी होगा उसकी सूची प्राप्त करके और ससुराल वालों की प्रताड़ना झेलती विवाहिता ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। दहेज प्रताड़ना के मामले में महिला थाने में दर्ज है प्रकरण, पुलिस नहीं कर रही सहयोग। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन हाईटेक कंप्यूटर लैब मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक स्किल बेस्ड लर्निंग एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स एडमिशन्स ओपन BCA BBA फैशन डिजाइन इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल महाराणा प्रताप नगर कोटरा अजमेर। अपने ससुराल पक्ष से प्रताड़ित विवाहिता सविस्ता उमर ने आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है।
सविस्ता ने बताया कि उसका निकाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में 24 नवंबर 2019 को हुआ था। इसके बाद से जयपुर स्थित ससुराल में उसके पति, ससुर और सास उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। सास ने कई दिनों तक उसे घर में बंद रखा, तो वहीं ससुर उस पर गलत नियत रखता है। सविस्ता ने बताया कि ससुराल वाले 5 लाख रुपये दहेज की मांग कर रहे हैं। वहीं उसका ससुर इस्लामुद्दीन उर्फ छोटा जवान उस पर गलत नज़र डालता है। लिहाजा महिला थाने में दहेज प्रताड़ना के मामले में उसे न्याय और सुरक्षा दिलाई जाए। शादी 24 नवंबर 11वें महीने 2019 में हुई थी सम्मेलन में। शादी के बाद से ही मेरा हस्बैंड मेरे साथ खुश नहीं था। जब मैंने ना अपने हस्बैंड से पूछा कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तो वही बोल रहा हाँ मैं तेरे साथ खुश नहीं हूँ इस निकाह में, है ना। मेरी खुशी मेरा दोस्त सद्दाम में, मैं उसको पसंद करता हूँ। वो तो तेरे साथ मेरी शादी मेरे पापा ने करवाई ज़बरदस्ती, उसके कहने पे, मेरे अपने पापा के कहने पे है ना तेरे से शादी करी है। मेरे पापा बोले लड़की अच्छे घर से अच्छे खानदान से दहेज ज़्यादा लेकर आएगी, है ना। और इतना ही नहीं, उसकी माँ से अपन समय समय पर पैसे भी मंगवाते रहेंगे, है ना। इस लालच में आके मैंने तेरे से शादी के लिए हाँ करी थी, लेकिन जब है ना तू घर आई है ना और हमारे को हमारे मन मुताबिक दहेज नहीं मिला ना, तो हमारा दिमाग ख़राब हो गया कि जैसा हमने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती, मेरे को मेरे घर का कुछ भी सामान बरतने नहीं देती, यहाँ तक कि मैं ना अपने सामान भी निकालती ना तो मुझे नहीं निकालने देती। इतने दिन तक है ना मुझे ना मेरी सास ने ना घर में बंद करके रखा, ना खाना ना पीना कुछ भी नहीं देते। मेरे सास, मेरे ससुर, मेरे हस्बैंड सद्दाम हुसैन वो यूँ बोल रहे अपनी माँ से, बोल 5 लाख रुपये दे तेरे को और मेरे बाप का प्रॉपर्टी का धंधा उसमें काम में लेंगे हम, है ना। अगर है ना तू 5 लाख रुपए नहीं लाती ना तो तेरे को है ना आग लगा के मार देंगे। अगर आपके ससुर का क्या रवैया आप लोग? मेरे ससुर का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा है। मेरे ससुर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। जब मैंने उसका विरोध किया ना तब वो यूँ बोले कि है ना अब तेरे को है ना घसीटेंगे आगे तक, अगर तू हमारी बात नहीं मान रही ना, मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना रही। तो ससुर का नाम इस्लामुद्दीन है, उर्फ छोटा जवान बोला जाता है उसे, जो ये जयपुर में रहते हैं। मेरी शादी भी जयपुर में ही है, मैं रहती अजमेर में अपनी सिस्टर के पास, क्योंकि हमारी माँ की इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो हमारे को जैसे हमारा पालन पोषण करे, क्योंकि मेरे पापा मेरे भाई को पसंद करते थे। हम एक ही भाई है हमारा, हम 6 सिस्टर है, इसलिए वो अपने मेरे पापा मेरे भाई के साथ चले गए। अब बस यही है कि मेरे को इंसाफ दिलाओ कैसे भी करके। मेरे साथ मारपीट महिला थाने में हुई है। आज जब है ना संतोष मैडम ने फ़ोन करा कि ये लोग तेरा दहेज लेकर आ गए, है ना, जब मैं अपना दहेज एक्सेप्ट करने गई। थाने के अंदर किसने मारपीट करी थी? मेरे ससुर ने, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ मारपीट करी है। पुलिस ने उस वक्त कुछ भी नहीं करी, पुलिस ने कार्रवाई, यहाँ तक कि सारा पुलिस का है ना फोकस मेरे ससुराल वालों तरफ ही था। कुछ भी नहीं, वो सिर्फ 11 बर्तन जो सम्मेलन में दिए जाते हैं ना वो लेकर आई, उसके लिए बोल रही कि एक्सेप्ट कर यही है तेरा सामान। थाने में जो मारपीट हुई उस संबंध में जब एसपी साहब को बताया तो साहब ने क्या कहा? साहब ने ये बोला कि ना हम उनसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, उनकी मर्जी होगी तो सामान देंगे, बस एक मतलब 4 सीट कुछ ऐसे लगा रहे उनके ऊपर कि अगर वो उनका मर्जी हो तो दे सामान। शादी के वक्त आपके साथ में क्या क्या सामान आपको गया था? मेरा सारा सामान गया था, जो जो ए टू जेड लगता है मेरे साथ, सारा प्रूफ है, सारा छोटे से लेके सारे सोने के जेवर, 4 4 पायजेबे, मंगलसूत सोने का, हर सब कुछ, यहाँ तक कि लड़के को सोने की अंगूठी भी दी गई है मेरी तरफ से, और सोने की चेन सब कुछ ए टू जेड, सोफा सेट, अलमारी, डबल बेड की सब कुछ। आप क्या चाहती हैं? मैं अपना इंसाफ चाहती हूँ कि है ना इन लोगों को सज़ा मिले कि इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करी। अपने लड़के को बोला कि एसी का काम करता है, एसी का काम नहीं करता, वो दूसरे खुद के दोस्त के साथ नाजायज संबंध रखता है। अब ये बताओ कि अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो आगे आप क्या कदम उठाओगे? मैं आगे से आगे बड़े से बड़े ऑफिस में या जो भी मेरे से बन सकेगा ना मैं वो सब कार्रवाई करूँगी, बस इन्हों को सज़ा मिले और मेरा सारा सामान मुझे दिया जाए। मेरी बहन के ऊपर शिकायत दर्ज करा दी। अजमेर में किस जगह रहते हैं? मोती कटला और दरगाह बाजार। तो ये मेरी सिस्टर है, इसका नाम सविस्ता उमर है। इसकी शादी हमने 24 नवंबर में जयपुर में करवाई थी, मगर जो इसका पति है ना वो महिलाओं के साथ खुश नहीं है, और जो इसका ससुरा है ना मेरी बहन के ऊपर गंदी नज़र रखता है, उसको ताका झाकी करता है। इसके खिलाफ हमने ना मेला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया ना, तो उन्होंने हमारे को बुला के और उन लड़कों वालों को बुलवा के और हमारे साथ मारपीट करी है, और ऊपर से हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। और हम जब इस संबंध में हम एसपी साहब के पास आए ना, तो एसपी साहब ने है ना उल्टा हमारे को कह दिया कि उनकी मर्जी होगी तो आपको दहेज देंगे, और आपकी उनकी मर्जी नहीं होगी तो आपको दहेज नहीं देंगे, तो आप टेंशन ना लीजिए। जैसे हमारे को ये बोला गया
कि है ना आप वहाँ पे जाइए अलवर गेट थाने में और जो हमसे हो सकेगा हम वो कर देंगे। पुलिस के सामने मारपीट हुई है जी हाँ, तो वो उन्होंने पुलिस वालों ने हमें जैसे इसको मारना कूटना शुरू करा ना इसके पति ने, तब मैंने इसको बचाना शुरू करा क्योंकि हम दो ही बहनें थी वहाँ पे, तो पुलिस वालों ने साफ ये बोल दिया यहाँ पे मारकूट नहीं होती, मारकूट नहीं होती, मगर हमने बचाया नहीं बल्कि हमारे खिलाफ ही अलवर गेट थाने के अंदर मुकदमा दर्ज करवा दिया उनके वकील ने, और है ना हमारे को मारा कूटा, इस लड़की का पूरा नाक होंट और सर और पूरी कमर में दर्द हो रहा है, इसका मेडिकल करवाना भी अभी है हमारे को। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonin.com सच के साथ।